हेलो एंड वेलकम बैक टू फाइनेंशियल। आज हम बात करेंगे विस्फोट फिल्म के बारे में। ये एक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें सस्पेंस, इमोशंस और कई बड़े ट्विस्ट हैं। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं रितेश देशमुख और फरदीन खान ने। दोनों ने अपने किरदारों को बहुत अच्छे से निभाया है। फिल्म की कहानी मुंबई के इर्द गिर्द घूमती है, जहां अपराध, धोखा और बदले की भावना का जाल बिछा हुआ है। कहानी की शुरुआत एक बड़े हादसे से होती है, जो फिल्म के मुख्य पात्रों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। रितेश देशमुख का किरदार एक सामान्य आदमी का है, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन अचानक वो अंडरवर्ल्ड और मुसीबतों में फंस जाता है। फिल्म का प्लॉट काफी सस्पेंस भरा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपको लगता है कि अब सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन तभी एक नया मोड़ आ जाता है। हर किरदार के इरादे साफ नहीं होते और ये चीज फिल्म को और भी दिलचस्प बनाती है। फिल्म में धोखा, विश्वासघात और खुद को बचाने की जद्दोजहद को बखूबी दिखाया गया है। रितेश देशमुख की परफॉर्मेंस, जिन्हें हम अक्सर कॉमेडी रोल्स में देखते हैं, इस फिल्म में एकदम अलग अंदाज में नजर आते हैं। उन्होंने एक गंभीर किरदार निभाया है, जो एक हादसे के बाद अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश करता है। रितेश ने अपने किरदार को काफी सधी हुई एक्टिंग के साथ निभाया है। उनके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से आप किरदार के साथ जुड़ जाते हैं और उसकी परेशानियों को महसूस कर सकते हैं। फरदीन खान के परफॉर्मेंस की बात करें तो फरदीन खान ने भी अपने किरदार में जान डाल दी है। हालांकि उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है, लेकिन जहां जहां वो नजर आते हैं, अपनी दमदार परफॉर्मेंस से छाप छोड़ते हैं। उनका किरदार कहानी को नई दिशा देता है और फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सपोर्टिंग कास्ट एंड डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म में बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया है। हर किरदार अपनी जगह पर ठीक से फिट बैठता है और कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। निर्देशक ने कहानी को थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर रखा है। हालांकि कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन कुल मिलाकर निर्देशन अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। मुंबई की गलियों और अंडरवर्ल्ड के माहौल को अच्छी तरह से दिखाया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन के इमोशंस और सस्पेंस को बढ़ाने में मदद करता है। म्यूजिक हर सीन को और भी प्रभावी बना देता है और कहानी की गहराइयों में ले जाता है। विस्फोट की सबसे बड़ी खासियत इसका सस्पेंस और ट्विस्ट है। कहानी आपको हर मोड़ पर चौंकाती है और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आगे क्या होगा। फिल्म में कई जगहों पर ट्विस्ट आते हैं, जो इसे रोमांचक बनाते हैं। हालांकि कुछ हिस्सों में कहानी थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन जब क्लाइमेक्स आता है तो आपको इसका सही असर महसूस होता है। फिल्म की स्टोरी लाइन कुछ जगहों पर थोड़ी स्लो हो जाती है, जिसे दर्शक का ध्यान थोड़ा भटक सकता है। कुछ सीन खींचे हुए लगते हैं, जिन्हें थोड़ा छोटा किया जा सकता था। इसके अलावा कुछ पात्रों के बैकग्राउंड को थोड़ा और विस्तार से दिखाया जा सकता था, ताकि उनकी भूमिका और मजबूत लगे। कुल मिलाकर अगर आप थ्रिलर और सस्पेंस से भरी फिल्मों के शौकीन हैं, तो विस्फोट एक अच्छी फिल्म है। रितेश देशमुख और फरदीन खान की बेहतरीन एक्टिंग, सस्पेंस से भरी कहानी और रोमांचक ट्विस्ट फिल्म को देखने लायक बनाते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर फिल्म धीमी हो सकती है, लेकिन इसका क्लाइमेक्स आपको जरूर पसंद आएगा। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही मजेदार रिव्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।